Hello friends, I have created a video for you on how to prepare polity effectively from M. Lakshmikant. I am not saying ki 10 din mein ho jayegi, 15 din mein ho jayegi. It depends upon your convenience. The main thing is that it should be covered effectively. You should be able to recall in examination in a dynamic way. Like fundamental rights are there. You just need not mug up the article numbers. You have to understand the essence of this thing. And at the outset itself, I must mention that you have to read whatever book you follow at least 10 times before appearing in preliminary examination June 18, 2017. So isse related I have said ki the major problem that I faced at the initially in my initial stages while following this book was that चैप्टर सीक्वेंस एक अगर हम फर्स्ट चैप्टर लेके बैठ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला देन इट फील्स लाइक इट सीम्स कि यार खत्म करो ये हिस्ट्री है या पॉलिटी है. सो आई हैव डिलिनिएटेड द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स दैट यू यू कैन फॉलो. आई एम इट इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस पर्पज ओनली. इफ़ यू फील इट सूट्स योर कन्वीनियंस दैट यू कैन फॉलो दिस थिंग. इसमें चैप्टर 3 है आपका. चैप्टर यू कैन स्टार्ट विद चैप्टर 3 इटसेल्फ. No need to go for chapter 1 and 2 at the outset. What will happen is you will feel bored and then Lakshmikant padhi reh jayegi. You should not do that. Salient features of constitution hai chapter 3. Chapter 4 hai preamble. This is like salient features wala padhenge to ek sequential manner mein aise ye interlinking bhi hai. Ismein chapter 3 aur 4 ke baad come directly to chapter 7, that is fundamental rights. फिफ्थ एंड सिक्स मुझे बोरिंग लगे थे तो इसीलिए आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग यू कम डायरेक्टली टू फंडामेंटल राइट्स. दो इट इज़ अ बल्की चैप्टर. यू शुड नॉट फियर दिस लेंथ ऑफ द चैप्टर. रीड आर्टिकल्स इन बिट्स एंड पीसेज लाइक 4 to 5 आर्टिकल्स एट अ टाइम. अंडरस्टैंड देम कोरोबोरेट देम विद PM बख्शी इफ यू फील लाइक. DD बसु से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एटलीस्ट दिस फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर और DD बसु वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है बिकॉज UPSC इज नॉट आस्किंग यू द आर्टिकल नंबर रिलेटेड टू वेरियस फंडामेंटल राइट्स. व्हाट दे आर आस्किंग इज डायनामिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वेरियस फंडामेंटल राइट्स दैट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया बोथ हैव बीन गिवन. तो अंडरस्टैंड देम चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स को एज आई सेड बिट्स एंड पीसीज में 4 to 5 आर्टिकल्स एट अ टाइम पढ़ें. उसके बाद टेक अ ब्रेक 5-7 मिनट्स का एंड देन अगेन कम बैक. कीप राइटिंग देम साइमल्टेनियसली. हैव अ पेन एंड पेंसिल. कीप राइटिंग देम ऑन अ रफ शीट ऑफ पेपर एंड स्टिकी नोट्स पे भी लगा सकते हो इसको अपने बाथरूम में एट एनी साइड ऑफ योर टेबल और योर बेड साइड सो दैट यू कम अक्रॉस देम टाइम एंड अगेन. सो दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज देम. एंड 8th चैप्टर है ये भी एक सिक्वेंशियल मैनर में है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. So after fundamental rights, you can come to part 4 of the constitution that deals with this thing, directive principles. Then you have got chapter 9, fundamental duties. These sequential manners, organically interlinked chapters hain. Fundamental rights and fundamental duties bhi honi chahiye. As we come across newspaper editorials ki fundamental duty to compulsorily vote in elections, to send your children to school. Ye sab fundamental duties hain. ये 7, 8, 9 ऑर्गेनिकली इंटरलिंक्ड हैं. इन्हें एटलीस्ट एक सीक्वेंस में पढ़ें. टेक 1 day और 2 days अकॉर्डिंग टू योर ग्रास्पिंग पावर. देन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना. अमेंडमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं. 368 आर्टिकल से रिलेटेड है ये. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट ने डिलीनिएट किया है. बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. चैप्टर 11 है ये. 10 और 11 यू कैन रीड देम टुगेदर. और स्पेशली फॉर दिस पार्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 7 टू चैप्टर 11 7, 8, 9, 10, 11 इनके लिए यू कैन कोरोबोरेट दीज थिंग्स. केस लॉ जो डेवलप हुआ है जैसे केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, यू कैन एटलीस्ट रेफर PM बख्शी. इट विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इनमें M. लक्ष्मीकांत में दो इट इज़ गिवन क्वाइट ब्यूटिफुल मैनर बट अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप करने के लिए सो एज टू रिटेन देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एटलीस्ट रेफर DD बसु. और इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन रेफर इवन यू नो PM बख्शी एज वेल. कमिंग बैक टू दिस थिंग देन उसके ये 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ने के बाद आपको सफिशियंट आइडिया हो जाएगा एज टू वट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज. देन यू कैन कम टू द एप्लीकेशन पार्ट दैट इज एन इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क जो बोला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. 12 to 16 जो चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा. वाइल रीडिंग दीज चैप्टर्स 12 to 17, 16 जो चैप्टर्स हैं
while reading these chapters, you know, try to make your brain see those newspaper articles जो political parties से related आते हैं, कि what is happening in the electoral democracy, elections जो अभी चल रहे थे, जिनका result आज आया है 10th 11th मार्च को. तो this is the thing, you can make your brain you know fly away to whatever you have read in the newspapers, जो editorials आपने पढ़े हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है, पॉलिटिकल डे टू डे हैपनिंग्स हैं. दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. 12 टू 16 के बाद अब आते हैं चैप्टर व्हाई एम आई टेलिंग यू इन सीक्वेंस, दो आई एम टेकिंग अ रिस्क विच नो अदर पर्सन इज टेकिंग, बिकॉज यूपीएससी माइट आस्क यू एनीथिंग और आई डोंट नो वट एवर सूट्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट आई एम जस्ट डिलीनिएटिंग अ स्ट्रेटेजी दैट हैज वर्कड फॉर मेनी गाइज. सो पार्ट 3 है लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, चैप्टर 17 से स्टार्ट होते हुए चैप्टर 25 तक जाता है ये. इसमें यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस 17, 18, 19 ऑनवर्ड्स. 24 जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री फोरम आप स्किप कर सकते हैं. दिस चैप्टर 17 टू 25 का जो एरिया है ये दो दिन में कवर हो सकता है फॉर एन एवरेज पर्सन, फॉर एन एवरेज एस्पिरेंट. सो कैबिनेट कमिटीज, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी यू नो डिवाइडेड देम इनटू चैप्टर्स फॉर योर कन्वीनियंस. सो पार्लियामेंट एक चैप्टर है 22, इसके एंड में आते हुए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ये. लेकिन एक सिटिंग में, ये 5-6 घंटे की सिटिंग में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा जा सकता है. अब कमिंग बैक हेयर, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट 4 है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 26 दैट रिलेट्स विद गवर्नर. और ये गवर्नर का चैप्टर 26 से लेकर 31 तक, ये भी एक दिन में कवर किए जा सकते हैं. 32 और 33 यू कैन लीव फॉर द टाइम बीइंग, अभी ये मत पढ़ो, क्योंकि ये जो क्रक्स है, जो पैटर्न रहा है यूपीएससी का, उसमें 32 और 33 से ज़्यादा कुछ आया नहीं है, लाइक स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ फॉर सम स्टेट्स, इनमें से नथिंग मच हैज बीन आस्क्ड अप टिल नाउ. सो अभी अगर हश हश मैनर में इसे ख़त्म करना है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, तो चैप्टर 26 टू 31 कैन बी डन इन वन डे. और आई वुड सजेस्ट कि पार्लियामेंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पढ़ें, अगले दिन ही पढ़ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इवन रिवाइज योर और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट इटसेल्फ. उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला चैप्टर है. इसमें नीटी क्रिटीज पे ध्यान देना होगा आपको, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, डीपीसी के प्रोविजंस कौन से अमेंडमेंट एक्ट में दिए गए हैं, 73rd में दिए गए हैं या 74th में दिए गए हैं, बी पर्टिकुलर अबाउट दोज थिंग्स. और म्यूनसिपैलिटीज़ वाले चैप्टर में कितने टाइप की म्यूनसिपल बॉडीज मैंशनड हैं, टाउन एरिया कमेटी और ये सब, बी पर्टिकुलर अबाउट दैम. और वीमेन रिजर्वेशन कितना है, एससी एसटी का रिजर्वेशन कितना है, रोटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे होगा, ये बुक में नहीं दिया है, यू हैव टू डिग आउट द डिटेल. और ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी है या नहीं है, जस्ट बी पर्टिकुलर अबाउट दीज स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स. उसके बाद में 34-35 के यू कैन कम टू यूनियन टेरिटरीज एज वेल. यूनियन टेरिटरीज बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट की टेरिटरीज हैं इन स्टेट्स, सो एज टू यू नो गिव इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, इन एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेटिंग एग्रेवेटेड इन एनी स्टेट, यूनियन अपनी फोर्सेज को यूनियन टेरिटरीज में डिप्लॉय कर सकता है. तो इनका रेलिवेंस इमीजिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था, अभी द रेलिवेंस इज फेडिंग, बट वी कैन सी लाइक इन नेक्सलाइट एरियाज में अभी ये प्रॉब्लम जैसे एग्रेवेट हो गया है. तो अगर वहाँ पे कोई यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन कैन डायरेक्टली, अगर किसी स्टेट में सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता है, तो यूनियन कैन डायरेक्टली डिप्लॉय इट्स फोर्सेज इन द यूनियन टेरिटरीज. सो ये है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज चैप्टर 37, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ में पेसा वाला चैप्टर है, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ये सब आपको देखना होगा इसमें ही. चैप्टर 32 टू 37 एक ही सिटिंग में, एक ही डे में यू कैन से हो जाएगा. देन पार्ट 7 अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है. तो इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर है, वेदर इट इज चार्ज्ड फंड चार्ज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यू हैव टू सी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और नॉट, इट इज़ नॉट. सो ये फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना होगा. क्या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जैसे सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या उनकी पावर इज इक्वल टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और नॉट, ये यू हैव टू सी. यूपीएससी का इलेक्शन का यूपीएससी का जो ये एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन का नहीं होता है. ये ब्रॉड फीचर्स आपको देखने होंगे, वेरी स्मॉल डिटेल्स, बट वेन यू सिट इन योर एग्जामिनेशन हॉल, तो ये वहाँ पे रिकॉल नहीं होती है. फाइनेंस कमीशन है, मल्टी मेंबर बॉडी है, परमानेंट है या नहीं है,
तो इसका अवार्ड जो है बाइंडिंग होता है या नहीं होता है, यू हैव टू सी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या प्रेसिडेंट इसकी चेंज कर सकते हैं? टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इनको दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत जिसके आधार पे ही अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, अवार्ड देते हैं, या यू नो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है आर्टिकल 280 के अंदर, यू हैव टू सी। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, सिमिलरली चैप्टर 43, ये सारे 6-7 घंटे के अंदर हो सकते हैं इफ़ यू बिलीव मी। सो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज चैप्टर 44, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी कौन कौन सी यू नो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे ओडिया पे क्वेश्चन आया था, ओडिया लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, सो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। चैप्टर 45 CAG मल्टी मेंबर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्सपेंडिचर चार्ज होता है नहीं होता है, कैसे अपने काम को ये रेगुलेट करता है, यू हैव टू सी दिस। अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, पावर्स क्या हैं, किन किन रूपों में ये यू नो किन किन एवेन्यूज पे द एडवाइस ऑफ AGI सॉर्ट, क्या ये PAC के सामने अपीयर होते हैं, क्या ये पार्लियामेंट में लोकसभा में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, ये सब आपको देखना होगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कंपेयर इट विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स, चैप्टर 47 तक, 38 से लेकर 47 तक एक ही सिटिंग में, एक ही दिन में, 7-8 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर, ये हो सकता है। फिर उसके बाद एनी ब्रॉड थिंग यू कैन फॉलो, सिक्वेंस में ही चलता है सब कुछ। प्लानिंग कमीशन अब तो रहा नहीं है, नीति आयोग नई बुक में अपडेट हो गया होगा, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अगेन नो रेलेवेंस। NHRC ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, कौन इसके अपॉइंटीज होते हैं, कौन कौन लोगों की क्वालिफिकेशंस है, जो जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस हैं इनकी। सिमिलरली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके क्या मेंबर्स हैं। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, पावर्स क्या हैं इनकी, अगेन यू हैव टू सी। अगर CIC के ऑर्डर की कोई अपील है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कहाँ जाएगी। सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सारे एक ही सिटिंग में हो सकते हैं। अब अगेन लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आजकल के सालों में, 2-3 सालों से, यू हैव टू सी। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 11 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे 1-2 दिन के चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ये बता दिया कि पहले पार्लियामेंट के फीचर्स, हमारे पंचायती ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स समझ लो, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कमिंग बैक टू शॉर्टकट्स, की क्या क्या शॉर्टकट्स आप अप्लाई कर सकते हो इसको मेमोराइज करने के टाइम पे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपकी खुद की लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए जब आप एक रीडिंग दे लेते हो। बेसिकली आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 282 भी है, यू कैन से आर्टिकल 101 है, 111 है, ये सब आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए, सो दैट यू कैन रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, इवन इफ यू हैव रेड लक्ष्मीकांत मेनी टाइम्स। Schedules हैं, just go through the title and remember which schedule talks about what. Schedules actually help you memorize the articles. On the contrary, many you know ये videos on YouTube are saying कि ये schedule वगैरह याद करने की need नहीं है। I would say follow a tree approach, कि जैसे tree का top है, constitution expands like that only. Constitution है, फिर उसके अंदर parts हैं, फिर schedules हैं, फिर articles हैं, which will help you in a way consolidate your memorization. जैसे सारे articles जैसे hodgepodge manner में अगर memorize करेंगे वो आपके लिए helpful नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप आर्टिकल्स को पार्ट्स के अंदर क्लब कर देते हो, जैसे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स आर्टिकल्स नंबरिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, तो वो इट इन अ वे हेल्प्स यू मेमोराइज। जैसे ही पार्ट 3 को ही बोलता है तो उसके अंदर आर्टिकल 12 टू 35 ऑटोमेटिकली यू शुड बी एबल टू रिमेंबर। फिर स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है, ये आप अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं। कमिंग टू अमेंडमेंट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दैट यू शुड रिमेंबर आर अमेंडमेंट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1, 7, 24, 26, 20, 35 है, 36 है, 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42 एंड 44 को देखना होगा कि किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था। इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, वो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया, ये यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, आई एम नॉट मेंशनिंग हियर। आर्टिकल 52 है, 58 है, 61 है, 69 है, 86 है, 91st है, ये 91st डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, 92nd है, 93rd है, 94th है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 97th है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड, अभी जैसा मैंने आपको बताया। सम इम्पॉर्टेंट केसेस, ये आप PM बख्शी बेयर एक्ट आता है 110-115 रुपये का, यू कैन बाय इट
from your nearby shop or order it from any online website. 1967 ये गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब हुआ था, इनकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फीचर बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था. केशवानंद भारती केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1978 का मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दीज केसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 2007 का आई आर कोहेलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, फोर्थ इज 2002 का केस है टी एम ए पाई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स. ये द नॉट सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ. आई विल मैंशन अ लिंक टू दिस पी डी एफ, यू कैन गो टू द लिंक टू माई गूगल ड्राइव अकाउंट एंड यू कैन डाउनलोड दिस दिस टू पेज समरी एज टू हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत इफेक्टिवली फ्रॉम दैट गूगल ड्राइव लिंक इट सेल्फ. जनरल टिप्स है कि यू मस्ट रीड एनी बुक दैट यू फॉलो, बीट डी डी बसु, बीट ग्रैनविले ऑस्टिनो, बीट एनी बुक, लक्ष्मीकांत है, डी डी बसु है, सुभाष कश्यप है. Read it at least 10 times. Follow that book only. No need to follow कि कोई coaching institute कहता है मेरे notes पढ़ लो. No need to go according to that advice. Follow anything you are following. Read it at least 10 times. Be it your coaching institute's के notes. There is no need to remember each and every thing given in a book or each and every article verbatim or उसके under explanation. Just memorize the outline of the article. By the way, UPSC is not going to ask which article means what, deals with what. Just to understand the essence of the article, you need to remember article number. Instead, focus on outline of article. As I said, important articles would be fundamental rights, directive principles, CAG, abhi jo prominence mein chal rahe hain, newspaper mein aap dekhte hain. Firstly, you need to mug up the parts of the constitution. The constitution is divided into 22 parts. Remembering the parts helps in recalling the articles quickly, as I said earlier. For instance, just remember part 3. Ye part 3 mein articles 12 to 24, part 5 union. आर्टिकल 52 to 151 इसमें आते हैं. द मोमेंट यू हियर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत का पार्ट 5 नहीं है यहाँ पे, यूनियन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का जो पार्ट 5 है दैट डील्स विद यूनियन, द यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल्स 52 to 151. पार्ट 18 है, ऐसे ही एमरजेंसी प्रोविजन है, आर्टिकल्स 352 से 360, 361 जैसे ही आएगा फॉरगेट अबाउट इट. ओके एंड देन स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. How to remember article number? Cover 20 to 30 articles at a time and continue revising them until you are able to recall all 20 to 30 articles on your fingertips. चाय बनाते हुए या कैसे भी इनको याद करते रहें, आर्टिकल 20 कितना है, किस से कॉरबोरेट करता है, किस से डील करता है. जब ये 20 से 30 आर्टिकल यू रिमेंबर्ड, देन स्विच टू एन अदर सेट ऑफ नेक्स्ट 31 to 60 आर्टिकल जो भी होंगे वो, उनको मेमोराइज कर लें. उसके बाद जब ये 50 to 60 का सेट क्रिएट हो जाएगा, राइट देम ऑन अ रफ शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू रिकॉल ऑल 50 इन वन गो, देन लाइकवाइज फर्स्ट 100 एंड देन 100 to 200, लाइकवाइज यू आर एबल टू रिवाइज देम. After you have read the Lakshmikant at least once, don't directly jump to memorizing the article numbers and their heading. First read the Lakshmikant, develop an understanding, then sit back for memorizing the article numbers. There is no need to remember all the articles verbatim, जो उनके inverted commas में दे रखा है, जो उसका case law है, वो सब memorize करने की कोई need नहीं है. Just develop an understanding. You need to know just that article 72 is regarding the power of president to grant pardons. वो माफ़ी की जो सज़ा है in some cases like death sentence है, court martial है, in that cases only president can grant pardons and not the governor. This way you can easily remember around 375 to 400 out of 440 articles of the constitution. You can apply a shortcut. One of them is that many articles of the union correspond to articles of the states. So from article 72 onwards, if you add number 1 and number 89 to the articles article number, like jaise ki article 73 hai, agar 73 mein aap 89 add karenge to it will be article 162. Article 73 or Article 162 will be the same for both the union government and the state government. 74 mein 89 add karenge, Article 163. Same for both the president as well as for the governor. So you can continue, keep doing this up till Article 111. Tab tak ye sequence follow karega. Koi bhi article number lo, union government ka 76 mein 89 add karo. Same article state level pe deal karta hai. I think nobody has come out with a video on this thing. If somebody has come out, that is quite good. Otherwise, let me share this trick with you. Article 201 yahan pe ek extra hai, which relates to president's power when a bill has been reserved for his consideration by the governor under article 200. So after this, from article 112 onwards, add 90.
111 तक 89 ऐड करना है, 112 से 90 ऐड करना है, जो भी आर्टिकल यूनियन का है 112 से उसमें 90 ऐड करेंगे तो वो 202 जो जाएगा, 212 202 जो जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट का सेम आर्टिकल नंबर डील करता है। ये इनिशियली दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग द आर्टिकल्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में एक ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस रिकॉल वट एवर द आर्टिकल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज। इनिशियल स्टेजेस में ये हेल्पफुल है, उसके बाद इट लूजेज इट्स रेलिवेंस। ऑल्सो ओनली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो मैंने पहले बताया 42nd, 44th, 86th, 91, दीज नीड टू बी मेमोराइज बाय हार्ट। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। If you like my video, kindly share your feedback in the comment section below my videos, and if you want me to come out with the further videos, please mention in the comment section. Thank you.